मैं यूं कह रही हूँ जीजी, मेरी जेठानी ने ना अपने बाप के यहाँ चूड़ीदार पजामी भी पहनी होगी, लेकिन मेरी होड़ में ऐसी ऐसी जींस रखे अलमारी में, देखोगी ना तुम तो यूँ कहेंगी मेरे जींस से एक हाथ छोटा ही जींस मिलेगा। अब देख लो बुढ़ापे में बाबड़ी हो रही, अब बराबरी कर रही। मैंने पायल बनवाई थी चांदी की, तो वो मैंने मेरे पीहर में ना बनवाई, मैंने बोली मम्मी को बोल दिया, मैंने सास को मेरी को कि मम्मी तुम ही बनवा देना यहीं पर, उसका भी ढोल पीट दिया उसने तो कि इन्होंने बनवा के दिए जानो कितने किलो की दिए। अरे बहन पैसे मैंने दिए है मेरे बाप से लेके है, तो वो तो मेरी हुई ना, पर लेकिन नहीं इसके तो छाती फट रही है, छाती के पता नहीं इसके लिए कितना कर रहे मेरे ससुराल वाले, मेरे लिए ना कर। और जीजी जिस दिन मेरे पीहर वाले मुझे बुलाएंगे, राम जाने कैसे पता कर ले महारानी, उसी दिन झोला उठा के चल देगी। मैंने कहा अरे भाई ये नहीं जाने देगी मुझे, इसकी वजह से 6 महीने से पीहर नहीं जा रही हूँ मैं, और अभी भी पीहर में बैठी है। जब से मैं ब्याह करके आई हूँ ना, तब से उसके पीहर में पता नहीं कभी बाप बीमार, कभी माँ बीमार, कभी किसी का ब्याह, कभी किसी का ब्याह, बंदी ना हो रहे। और मम्मी जी बता रही कि भैया पहले तो वो जाती ना कही पीहर, बोली मम्मी मेरा मन ना लगे पीहर में, और अब तो ले झोला और भैया। जी हर चीज में बराबरी चाहिए, हर चीज में, पर काम में नहीं करनी बराबरी बंदी को ना, काम में तो वो जठानी पना। हाँ भैया देवरानी करेगी है वहाँ भी कर बराबरी, जब तुझे हर चीज बराबर चाहिए तो काम कर, कभी सर दुख है, कभी ये दुख है, कभी वो दुख है, है? सास बन रही है मेरी जान को कतई, खुद तो ऐसे ऐसे काम छाटेगी जीजी जिसने जोरी ना आए है। लतू आटा लगा दे मैं रोटी सेक दूंगी, अरे तो तू लगा दे आटा मैं रोटी सेक दूंगी, ले तू झाड़ू पोछा कर दे मैं कपड़े धो दूंगी, कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुलेंगे, तो जोर कहाँ आएगा झाड़ू पोछा में। अब श्वेता मरे फर्श पे घिस घिस के, मैंने रोटी बना दी श्वेता तू बर्तन धो दे, अरे मैंने कहा डेढ़ सौड़ी, श्वेता तू सब्जी काट दे मैं छोंक दूंगी, अरे मैंने कहा छोंक तो घर का कोई बच्चा भी देगा है। जैसे ही घर में 4 मेहमान आए नहीं, जैसे ही वैसे ही छोरा लेके दूध पिलाने बैठ जाएगी, क्यों? क्योंकि पता है अब तो कोई कुछ कहेगा नहीं है, 10 मिनट पहले ही पिलाया होगा भले ही दूध पिला, लेकिन नहीं बैठ जाएगी उसको लल्ला को लेके, क्यों? क्योंकि श्वेता को करना पड़ेगा फिर काम। अरे जीजी मैं इसकी सब होशियारी जानूं, पर मैं भी इसको देख रही हूँ, जेठानियों को लगा जीजी के जेठानी श्याणी है बहुत, पर इनमें यो ना पता कि देवरानी डबल श्याणी, क्यों? क्योंकि श्याणी तो वो अपने घर से ही आए, और डबल श्याणी इनमें देख देख के हो जाए वो। इस टीवी के लिए जीजी ऐसी बेइज्जती करवाती फिर रही है जगह जगह, है मेरा टीवी तो बाहर लगा रखा है और देवरानी का तो उसके रूम में लगा दिया, सही बात नहीं बताएगी कि जब तू ब्याह करके आई तो घर में टीवी ना था, ये थे टीवी था तो वो यहाँ लगा दिया घर वालों, अब घर में 3-3, 4-4 टीवी भर रहे, तो इस वजह से सबके रूम में अपने अपने टीवी है, वो नहीं बताएगी, वो बताएगी कि देवरानी का क्या किया, आधी बात बताएगी पूरी को नहीं बताएगी। जीजी को सोफा सेट की कहती फिर रही है लोगों को कि मेरा सोफा सेट तो बैठक में लगा दिया तोड़ दिया, हाँ देवरानी की तो अभी थैली भी ना उतरी सोफा सेट हो रहा है। जीजी तुम माने नहीं, मैंने 10 बार पूछा, मैंने कहा जीजी तुम्हारे सोफा सेट है तुम रूम में लगा लो, मेरा आ गया तो मेरा नया वाला बाहर लगा देते हैं बैठक में, है ना छोटी मेरा पुराना है बैठक में पुराना ही रहने दे, तू तो तेरा रूम में लगा ले, ऐसे कर फालतू में बेकार होगा, गड़गड़ से भी ज़्यादा रंग बदला। जीजी मुझसे कुछ और कहेगी, बाहर कुछ और कहेगी, मम्मी जी से कुछ और कहेगी, और भैया से कुछ और कहेगी, और तो और वो मेरे कसम से कुछ और ही कहेगी, जेठानी थोड़ी है मेरी, नागिन मैं ऐसे कह रही हूँ, इच्छाधारी नागिन सीरियल इसको देख के बनाए मेरी जेठानी को। बोली देवरानी तो ऐसे ऐसे गाउन पहने ये करे वो, अरे जीजी मुझे ना पता इसने पहले क्या ना पहना, लेकिन मैं जो जो पहन रही हूँ ना, अरे सब ले आई सब सेम टू सेम, कतई कॉपी करके घूमे। जीजी मेरी जो बेइज्जती करी है ना, मुझे तो ब्याह करके बाद में पता चल रहा है, रिश्तेदार बोल रहे कि हैं श्वेता तेरे ज़्यादा गहने क्यों बने और लक्ष्मी के कम क्यों बने हैं, पर मैंने मन ही मन में मैंने कहा अरे इतनी गहने की शौकीन है तो अपने बाप से दहेज मंगवाती, मेरे बाप ने दहेज दिया तो गहने तो ज़्यादा बनवाएंगे ना, यह इसके बाप ने 1 रुपया नारियल में फेंक दिया फेरे पाड़ के, इसको गहने चाहिए श्वेता के बराबर। अरे जी जी तुम तो मेरे से ज़्यादा जानती होंगी, मुझे तो अभी महीना भर हुआ है इस घर में आए हैं, ये जितना दिखावा है ना कि मेरे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो मेरे ब्याह से पहले भी तो यही घर था, यही ससुराल वाले थे, तो देवरानी के आते ही अत्याचार हुआ, ये जेठानी पे पहले क्यों ना हुआ है। अरे जीजी तुम मानेंगी नहीं, ये मेरी जेठानी ने इन ससुराल वालों की इतनी बुराई करी, इतनी कमी निकाली कि वो सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर में भी नहीं निकाली होंगी हैं। मुझे तो इस घर में आके पता चला कि 100 कमियों में से 90 तो मेरी है जेठानी की है कमी, इतनी कमी थोड़ी बताएगी है, वो तो पता चल रहा है धीरे धीरे, अब निकल रहे सुदड़े में से गुदड़े।